जय प्रणाम कई भ्रांतियाँ मैंने देखा है कि फैली हुई हैं कि जैसे उत्तर कांड को बहुत से लोग पार्ट नहीं मानते हैं रामायण का कहते हैं युद्ध कांड पे समाप्त हो जाती है वाल्मीकि जी ने उससे आगे उसको नहीं कहा था ऐसी कुछ सनातन धर्म पे आक्षेप लगाने वाले ये भी कहते हैं कि अनुशासन पर्व में भीष्म ने कहा था कि अगर आप गाय का गाय की बलि देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा जबकि वो अध्याय वहाँ पे उपस्थिति नहीं है ऐसा पाने ऐसा मिलता है और ऐसे ही राजीव दीक्षित जी ने एक बार मतलब कहा था कि जो मनुस्मृति वगैरह भी हैं तो उसमें भी जो विकृतियाँ डाली गईं वो विटिशर्स द्वारा डाली गई वहाँ पर तो आपको मैंने उस विषय पे इतना कुछ बोलते हुए नहीं सुना कम से कम मैंने नहीं सुना वैसे मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का लेकिन आप जिस चीज़ की काट तथ्य से हो सकती है आप चेतना के स्तर पर जाके उसको एक तरीके से हमें बता रहे हैं जो कि उच्चतम मूल्य है वहाँ पे जाके बता रहे हैं लेकिन तथ्य के विषय में आप इसलिए शायद नहीं बोलते हैं कि ओशो ने जैसे कहा है कि तथ्य हमें बहुत दूर तक ले नहीं जाता है नहीं नहीं बात दूसरी है बैठी बात यह है कि मुझे तथ्य का इस्तेमाल करके उस बात को जस्टिफाई करने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं होती समझो राम का पूरा वृत्त पूरा चरित्र हमारे सामने है ठीक उसमें से निन्यानवे बातें मेरे बहुत काम की हैं एक बात ऐसी है जो विवादग्रस्त है किसी वजह से आप उसमें विवाद कर सकते हैं प्रतिशत के तौर पे अनुपात के तौर पे ले लीजिए निन्यानवे प्रतिशत बात मेरे काम की है एक प्रतिशत बात विवाद में है वो जो मुझे निन्यानवे प्रतिशत राम से मिल रहा है वो इतना ज्यादा है मैं उससे इतना तृप्त हो जाता हूं कि उस एक प्रतिशत को अगर कोई गलत साबित कर भी दे तो मुझे कोई अंतर पड़ता ही नहीं मैं काहे को जाऊं उस एक प्रतिशत की सफाई देने मैं कहता हूं तुम मान लो मैं कहता हूं तुम मान लो तुम्हारी जीत हुई उस एक प्रतिशत में मुझे तुम्हारी जीत स्वीकार है तुम ले जाओ तुम यही सिद्ध करना चाहते हो कि राम भ्रम में थे तुम यही सिद्ध करना चाहते हो राम अन्यायी थे ये सब कुछ जो तुम सिद्ध करोगे वो कितने में सीमित है एक प्रतिशत में तो मैं कहता हूं तुम मान लो तुम कुछ भी मान लो मुझे कोई अंतर ही नहीं पड़ता क्योंकि जो निन्यानवे प्रतिशत मुझे उनसे मिल रहा है वो इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है कि एक प्रतिशत मैं तुम्हें सहर्ष देने को तैयार हूं जीत तुम्हारी है ले जाओ जाओ ले जाओ हम्म कहीं कहीं पे ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ग्रंथों में कुछ प्रक्षिप्त अंश हो या कि उनका विकृत अर्थ ही कर लिया गया वो अनर्थ हो ये बिल्कुल हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है बहुत जगहों पर हमें अवतारी चरित्रों का वही आचरण देखने को मिलता है जो समकालीन मूल्यों के अनुरूप था ठीक है ना वो जिस मूल्य में जिस जिस खानदान में जिस समाज में जिस परंपरा में पैदा हुए हैं भाई उनका आचरण लगभग वैसा ही तो रहेगा ना तो मैं काहे को कहने जाऊं कि नहीं नहीं वैसा नहीं था था अब कृष्ण की परवरिश यदि गौ पालकों के यहां हो रही थी ग्वालों से घिरे हुए थे तो इसमें अचरज की बात क्या है कि दूध दही से उनका रिश्ता था ये तो होगा अब मैं क्यों जस्टिफाई करने जाऊं कि नहीं था नहीं था, था। था लेकिन मुझे उस बात से कोई प्रयोजन नहीं है बाबा क्योंकि मुझे प्रयोजन गीता से है <laughs> राम यदि क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और उस समय की कुछ परंपराएं थी उदाहरण के लिए अब दशरथ की क्या सिर्फ एक रानी थी नहीं थी ना इसी तरीके से युद्ध में जाया जाता था क्षत्रिय परंपरा थी कि अपने राज्य का विस्तार करो ये करो वो करो ये सब बातें थी तो उन सब मूल्यों का प्रभाव भी जो मानवीय राम हैं उनके मन पर पड़ेगा ना उससे मुझे क्यों आपत्ति हो और मैं क्यों साबित करने जाऊं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था नहीं हुआ था हुआ था बिल्कुल हुआ होगा और यह बात तो निश्चित है कि क्षत्रियो में मांसाहार का विधान था परंपरा थी खाते थे तो यदि ऐसा हो भी कि राम वध करने गए थे हिरण का तो मैं मान लूंगा कि ऐसा हो सकता है हो सकता है लेकिन उस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं पड़ता देखिए यह बड़ी एक गलत पहल चल रही है कि हम आज के मूल्यों पर तब के चरित्रों का आकलन करने लग जाते हैं उन चरित्रों का आकलन उस समय के मूल्यों पर होना चाहिए आज के मूल्यों पर नहीं नहीं समझ रहे आप उदाहरण के लिए अब आज का मूल्य है कि स्त्री पुरुष को हर क्षेत्र में आप समान मानोगे मूल्य आज का है बिल्कुल हो सकता है पचास साल बाद इस मूल्य में भी कुछ उन्नति हो जाए कुछ बदलाव हो जाए तो आप क्या करते हो कि आज का ही मूल्य लेते हो स्त्री पुरुष के बराबरी का और फिर रामायण को या महाभारत को या अन्य ग्रंथों को आप आज के मूल्य को उठाकर जस्टिफाई करने लग जाते हो आप कहते हो देखो उनमें भी बराबरी की बात है तथ्य यह है कि बराबरी की बात नहीं है और मान लो चुपचाप ये उल्टा पुल्टा जस्टिफिकेशन किसी किसी काम का नहीं है उसकी अनावश्यक है बाबा मुझे गीता मिल गई मैं अघा गया मैं तृप्त हूं उसके बाद तुम्हें कृष्ण पर जो आक्षेप लगाने लगाओ मेरे लिए कृष्ण कौन है गीताकार जो है उनका नाम कृष्ण है तुम अगर यह भी बोलोगे कि वेदव्यास ने लिखी है तो मैं कहूंगा वेदव्यास ही कृष्ण <laughs> गीता कहीं से तो आई है जहां से आई है उस स्रोत का नाम कृष्ण है अब उसके बाद तुम्हें कृष्ण पर जो आपत्तियां करनी है करते रहो मैं इतनी भी उसमें रुचि नहीं रखता कि मैं आकर के उसमें सफाई दूं मुझे नहीं सफाई देनी मुझे जो मिलना था वो मिल चुका भाई प्रेम हो गया है अब दुनिया आकर के तोहमतें लगाती रहे कि तुम्हें जिससे प्रेम हुआ है उसमें यहां कलंक है ये है वो है मैंने जो देखना था मैंने देख लिया मुझे मेरे प्रिय में जो पाना था वो मैंने पा लिया अब दुनिया इल्जाम लगाती रहे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं सफाई क्यों देने जाऊँ इससे यह भी समझो कि अगर मुझे बार बार सफाई देने की रुचि हो रही है तो इसका मतलब है मेरा प्रेम अभी अधूरा है जिन लोगों की बड़ी रुचि रहती है ये जस्टिफाई करने में कि तब के लोग आज के मूल्यों पर भी खड़े उतरते हैं ये लोग शायद वो हैं जिनको अभी अवतारों से और ऋषियों से पूरा प्रेम हुआ नहीं है हुँ? तो उनको फिर लाज सी आती है जब कोई उन उनपे आरोप लगा देता है मुझे कोई लाज आती ही नहीं आप राम पे आरोप लगा दो मुझे दुख हो सकता है वो भी आपके लिए कि आप कितने भागे निकले <laughs> लेकिन मुझे लाज नहीं आएगी कि अरे राम ने बुरा काम कर दिया क्योंकि तो मैं राम को जानता हूं मेरा उनसे बहुत निकट का रिश्ता है तो आप उनके बारे में कोई इल्जाम लगाते रहो मुझे कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं हाँ मैं फिर भी आपको शायद समझाऊंगा ताकि आप कहीं राम से वंचित ना रह जाएं लेकिन राम के पक्ष में दलीलें देने की राम की सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है उनका कुछ नहीं जाता मैं कौन हूं उनका वकील बनकर खड़ा होने का हा? राम की वकालत मैं करूंगा क्या राम राम है बात खत्म तुम्हें जो करना है करो तुम नारे लगा लो तुम अपशब्द बोल लो तुम uh... उनकी मूर्तियां तोड़ दो तुम्हें जो करना है करो तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है गीता समझ में आ गई उसके बाद कृष्ण से प्यार कैसे नहीं होगा मेरे लिए तो आश्चर्य ये है जिसने गीता पढ़ ली उसके बाद भी वो कहे कि अरे कृष्ण तो देखो अभी आजकल चलता है ये कुछ बहुत प्रगतिशील और उदार सोच के लोग हैं वो कहते हैं ये देखो ये तो सीधे सीधे शब्द इस्तेमाल किया लफंगई कहते हैं देखो नहाती औरतों के कपड़े उठा के भाग रहे थे ये गॉड कैसे हो सकते हैं ये सब ट्विटर पे चलता है आजकल तुमने गीता पढ़ी है <laughs> या तुम्हें बस इसमें रुचि है कि औरतों के कपड़े उठा लिए और गीता तुमने पढ़ ली होती तो उसके बाद इन बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक रह जाता भाई इसी तरह तुमने योग वाशिष्ठ पढ़ा है राम का वशिष्ठ से क्या रिश्ता था तुम जानते हो वहां ज्ञान क्या है ये जानते हो राम के चरित्र में मूर्धन्य बातें क्या हैं, केंद्रीय बातें क्या हैं वो जानते हो वो जान लो उसके तुम इधर उधर की बात थोड़ी करोगे हुँ? जहां से जो चीज सीखने लायक है उसी को सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए आम का छिलका नहीं चाटते और गुठली नहीं चूसते समझ तो में आ गई बात रसो वही सह रस को ग्रहण करो बाकी सब छिलके और गुठली की तरह त्याग दो उससे कोई अभिप्राय नहीं इतना समझाया है कि सब ग्रंथों में और महाकाव्यों में दो तरह की बातें होती हैं समयातीत और समय सापेक्ष जो समय सापेक्ष बात होती है वो उस समय के मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है कि उस समय लोग कैसा सोचते थे कैसा करते थे उसमें आपको वो बात मिलेगी उस बात से आज हमारा कोई वास्ता नहीं हम उस बात को ना सुनेंगे ना देखेंगे ना कुछ उससे सीखेंगे हम वो बात सीखेंगे जो समयातीत है जो तब भी वैध थी और आज भी वैध है जिसका तब भी मूल्य था और आज भी है वो बात सनातन है और यही सनातन धर्म है सिर्फ उससे रिश्ता रखना जो चीज सनातन हो जो चीज़ किसी समय पर आई थी परंपरा बन गई विचार बन गई मूल्य बन गई फिर दूसरे समय में वो परंपरा वो विचार मूल्य वो पीछे छूट जाते हैं उनसे रिश्ता रखना सनातन बात नहीं है ना वो सनातन धर्म है खेत की बात यह है कि हमने सनातन धर्म का संबंध परंपराओं प्रथाओं मान्यताओं से ही ज़्यादा जोड़ दिया है जो वास्तव में समयातीत और कालातीत है उसको हम भूल गए हैं उसको पकड़ के रखिए और वो सबसे ज्यादा साफ कहां दिखाई देता है वेदांत में पुरानी चीजों को जायज ठहराने के लिए आजकल कैसे कैसे तो प्रयास किए जा रहे हैं कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर एनर्जी से चलता था मैं पूछता हूं पगलों अगर उनके पास न्यूक्लियर एनर्जी होती तो अपने रथ के लिए हॉर्स एनर्जी यूज करते उस समय पे टेक्नोलॉजी की स्थिति ये थी कि जो सबसे निचले स्तर की ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता था सबसे निचले स्तर की ऊर्जा मालूम है कहाँ होती है आपकी मांसपेशियों में जब आपका विज्ञान इतना नहीं होता कि आपको और तरह की ऊर्जा दे पाए तो आप शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो रथ अगर घोड़ों से जुत रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है कि इंजन तक उपलब्ध नहीं था तो फिर बाण में कहां से न्यूक्लियर एनर्जी आ गई लेकिन हम गीता को नहीं जानते हम राम के चरित्र से प्रेम नहीं करते तो फिर हमें उनके चरित्र को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस होती है कोई बोलना चाह रहा है कि उस समय भी इंटरनेट चलता था कोई बोल रहा है अरे स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी नहीं तो पुष्पक कहाँ से आता जरूर जेट फायर्ड था वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि प्रोपल्शन की कौन सी टेक्नोलॉजी थी पुष्पक में काय को फालतू बातों पे दिमाग लगा रहे हो क्या मतलब है कोई कह रहा है नहीं राम से तू खोज के निकालेंगे होगा क्या है क्या चल रहा है ये इससे यही पता चलता है कि अभी राम से प्रेम हुआ नहीं एक हीन भावना है राम को लेकर के जिस चीज को लेकर हीन भावना होती है उसी को तो और अलंकृत और सुसज्जित करना चाहते हो ना जब अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता तो उसको क्या करना चाहते हो उसको और सजाते हो तो राम के चरित्र को और सजाने की जरूरत क्या है इसका मतलब राम का चरित्र जैसा है वैसा तुम्हें पूरा नहीं पड़ रहा तुम में हीन भावना है राम को लेकर के क्योंकि राम को ना तुम जानते हो ना राम से तुम्हें प्रेम है तो फिर तुम उसमें और तरह के अलंकरण जोड़ना चाहते हो कि ऐसा था वैसा था अरे फाइव जी क्या होता है सेवन जी चलता था तब आंख बंद करते थे और कम्युनिकेशन हो जाता था ये सब बातें हैं और पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं कोई सेवन जी नहीं था पागल कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं थी जिस तरह की आज देखते हो नहीं था मान लो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असली चीज जो हमें राम से सीखनी है वो है चरित्र विज्ञान नहीं चरित्र तुम सीखना नहीं चाहते इसलिए फिर विज्ञान के तल पर बढ़ चढ़कर डींगे हाँकते हो यो उस समय भी ऐसा होता था वैसा होता था सर्जरी हो जाती थी देखो हाथी का सर काट करके गणेश जी बना दिए इससे क्या पता चलता है आज कोई ऐसा कर सकता है डॉक्टर लेकिन उस समय पे हमारी शल्य क्रिया इतनी सुविकसित थी प्रतीक है गणेश कोई व्यक्ति नहीं है गणेश बहुत एक ऊंचे स्तर का प्रतीक है कोई हाथी नहीं था जिसका सर काटा गया हो और एक बच्चे के लगा दिया गया हो ऐसे नहीं होता बच्चे का आकार देखो हाथी का सर देखो बच्चे के दिल में इतनी क्षमता है कि उसके सर को इतना खून दे पाए कुछ थोड़ा तो विचार कर लो कुछ भी बुद्धि नहीं है इतना तो दिल है बच्चे का इतना बड़ा सर हाथी का ब्लड सप्लाई कैसे होगी वींस कैसे सारी कनेक्ट होंगी कुछ सोचना ही नहीं है हो वो कर दिया कैसे कर दिया ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम गणेश जी को समझते नहीं समझते नहीं इसीलिए तुम्हारे मन में उनके लिए सम्मान नहीं है इस तरह की बातें करना वास्तव में गणेश और शिव दोनों के प्रति अपमान की बात है और दोनों को ही हम समझते नहीं तो फिर हमें इस तरह की बढ़ा चढ़ा करके डींग हाँकने वाली व्यर्थ की अलंकृत बातें करनी पड़ती हैं हर चीज को जस्टिफाई करना है हर चीज को जस्टिफाई करना है आप कुछ भी करते हो बोलो ये वैज्ञानिक बात है पुरानी चल रही है इसीलिए वैज्ञानिक होगी क्योंकि असली विज्ञान तो पुराने समय में था कुछ भी तुम करते हो वो वैज्ञानिक बात है बृहस्पतिवार को बाल क्यों नहीं कटाने मैं विज्ञान बताता हूं और एक नया हिंदू जन्म ले रहा है जो गौरव ही इसी बात में पाता है कि उसके जितने अंधविश्वास हो और जितनी कुप्रथाएं हो कोई आकर के उनको साइंटिफिकली जस्टिफाई कर दे बस और कुछ गुरु हैं जो पेशेवर रूप से इसमें माहिर हैं वो सिर्फ यही करते हैं दिन रात कि जितनी भी तुम्हारी प्रथाएं होंगी वो साबित कर देंगे कि इनका एक वैज्ञानिक आधार है बाबा सनातन धर्म की विशेषता उसकी प्रथाएं परंपराएं नहीं है उसका ज्ञान है ज्ञान आत्मा और ब्रह्म इनसे सरोकार रखो ये सनातन है आत्मा के अतिरिक्त कुछ सनातन नहीं होता सनातन माने समझते हो ना जिसका कभी अंत ना आए आत्मा के अतिरिक्त कुछ अनंत है ही नहीं तो तुम बाकी बातों को क्यों सनातन कह रहे हो वो है ही नहीं सनातन धर्म समझ में आ रही है बात तो डिफेंसिव हो जाने की कोई जरूरत नहीं अगर कोई आकर के कहे अरे देखो तुम्हारे ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है फलाने ने यह गलती करी थी मान लो बिल्कुल करी थी लेकिन मुझे प्रयोजन किससे है आत्मा से सनातन की विशेषता यह है कि उसने आत्मा दी है पूरे संसार को और वो इतनी बड़ी चीज दे दी कि उसके आगे अगर कुछ गुड़दोष है भी तो एकदम शून्य बराबर हो गए कोई तुमको अरबों का हीरा दे दे एक मैले कागज में लपेट करके हीरे की कीमत कम हो गई क्या या तुम यही बात करते रहोगे कि देखो कागज मैला है कागज मैला है लेकिन तुमने किसी को हीरा दिया मैले कागज में और वो व्यक्ति बार बार कही नहीं नहीं कागज मैला नहीं है कागज मैला नहीं है इसका मतलब क्या है वो कागज को बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है इसका अर्थ क्या है उसे हीरे की कीमत ही नहीं पता नहीं तो कहता हां कागज मेला है तो क्या हो गया हीरा ये रहा भाई हीरा ये रहा कागज को छोड़ो हीरे को देखो उस हीरे का क्या नाम है आत्मा सनातन धर्म आत्मा है आत्मा 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 और कुछ नहीं बाकी बातें छोड़ो बाकी बातों का अगर कोई उपहास करना चाहता उसको दे दो बातें ले उपहास कर तेरे पास आत्मा तो है ही नहीं दरिद्र आदमी तू उपहास का ही आनंद ले ले क्योंकि सच्चिदानंद आनंद का अमृत तो तुझे मिल नहीं रहा है ना सच्चिदानंद तो आत्मा होती है वो आनंद तो तुझे मिल नहीं रहा तू उपहास से ही कुछ प्रसन्नता ले ले जा कर ले उपहास ये बात समझ में आ रही है आजकल धर्म की बहुत बातें हैं सनातन धर्म क्या है मात्र और मात्र आत्मा क्योंकि सनातन मतलब जिसका अंत नहीं आना जिसका अंत नहीं आना उसके लिए एक ही नाम है आत्मा बाकी सारी बातें आप त्याग सकते हो कोई समस्या नहीं हो जाएगी आप सनातनी रहोगे और आपने बाकी सारी बातें पकड़ रखी हैं ये किस्सा ये कहानी वो प्रथा वो परंपरा लेकिन आत्मा का आपको कुछ पता नहीं तो आप सनातनी हो ही नहीं आप पारंपरिक हो सकते हो आप सनातनी नहीं हो सकते अगर आप आत्मा को नहीं जानते तो और जो आत्मा को जानता है उसके लिए परंपराएं हैं अच्छी बात है नहीं परंपराएं तो भी अच्छी बात है जो असली चीज है वही तो असली है बाकी से क्या समझ में आ रही है बात? इसीलिए संतों ने जब राम की बात करी उदाहरण के लिए कबीर साहब ने तो उनके लिए कबीर साहब के लिए फिर राम क्या है वो आत्मा ही है ब्रह्म वो फिर दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करते वो ये नहीं उन राम की बात नहीं करते जिन्होंने रावण का वध करा था जो सीता के पति थे जो कहते हैं राम एक कबीरा नाम अरे जाके राम आधार तो कौन से राम की बात कर रहे हैं वो उस राम की बात करें ब्रह्म की वो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म हुँ? तो आहत नहीं हो जाना है बुरा नहीं मान लेना है जब लोग तरह तरह से विक्षेप करें और ये उठाए वो उठाएं कोई उठा के कहीं से दो पंक्तियां दिखा देगा कहेगा ये देखो तुम्हारे ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है हमें बुरा बुरा लग जाता है बुरा लगने की कोई बात ही नहीं हंस दीजिए कह दिए तुझे इसमें सुख मिला तुझे ये भूल चूक निकालने में सुख मिला तू ले ले वो सुख क्योंकि वैसे भी तू सचिदानंद अमृत से तो वंचित ही है तू ये छोटा सुख ही ले ले तुझे कुछ तो तृप्ति मिलेगी तो यही ले ले बाबा और अगर तू आत्मा का अमृत पाना चाहता है तो फिर मेरे पास आ मैं तुझे वेदांत तक ले चलता हूं हीन भावना से ग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं है आज के हिंदू में बड़ी हीन भावना आ गई है इस कारण वो आक्रामक होने लग गया है ये जो झूठ मूठ का जस्टिफिकेशन है वो उसी हीन भावना का द्योतक है हमें नहीं जस्टिफाई करना इसी तरीके से ये बातें कि तुम अपनी सब परंपराओं को वैज्ञानिक तल पर जायज ठहराओ वो भी हीन भावना का ही देवतक है जो परंपराएं ठीक नहीं है हम उनको त्याग देंगे हम ये नहीं साबित करना चाहेंगे कि ये वैज्ञानिक हैं और कोई परंपरा काम की है तो हमें पता है ना काम की है कोई कुछ भी कहता रहे हम नहीं त्यागेंगे और काम की सिर्फ कब होगी जब वो हमें कहां तक ले जाए आत्मा तक राम तक ले जा रही है अगर कोई परंपरा हमें राम तक ले जाती है तो काम की है अब जान दे देंगे लेकिन परंपरा नहीं छोड़ेंगे लेकिन सिर्फ तब जब वो परंपरा हमें राम तक ले जाती हो खाली खोखली परंपरा है तो अभी छोड़ देंगे ये बात साफ हो रही है बिल्कुल समझ में आ रहा है जब प्रेम होता है तो एक बड़ा गहरा आत्मविश्वास होता है फिर आप जल्दी से हर्ट आहत नहीं हो जाते आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं महसूस होती कि फलाने ने इल्जाम लगा दिया राम पर चलो प्रतिकार करें अरे उसने लगा दिया उसका अभाग है बोलने दो नहीं लेकिन इससे हमारी नई पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है कैसे बोलने दे तुम्हारी नई पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है तो अपनी नई पीढ़ी को सही शिक्षा दो अपनी नई पीढ़ी को राम में इतनी गहराई से स्थापित कर दो कि फिर कोई कुछ भी बोलता रहे अंतर ही ना पड़े नई पीढ़ी को राम की कोई शिक्षा तो तुम देते नहीं लेकिन जब कोई राम पे इल्जाम लगाता है तो तुम दंगा करने पे तैयार हो जाते हो दंगा करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा शिक्षा से होगा ना समझ में आ रही है बात जय श्री राम से पहले जानो श्री राम नहीं तो जय श्री राम का नारा एकदम खोखला है बल्कि पाखंडी है जानो श्री राम जानो तो उनको कि राम माने क्या फिर सिर्फ सम्मान नहीं रहेगा फिर प्रेम उठेगा आचार्य जी आपका शत प्रणाम मेरा अभी प्रश्न अभी जो हमारी आप आपने अभी कुछ बताया हमको उसी बारे में है आपने बोला कि यदि आप सजग हो दूसरे से लोहा लेते हो आपके इसमें ताकत है तो आपको उस स्थिति में लोगों को क्षमा करना चाहिए तो मेरा प्रश्न है कि हमारे पे मान लो इतनी बड़ी कोई विपत्ति आ जाए जो हमारा मूल उद्देश्य भी बदल दे मतलब इस टाइप से कोई आक्रमण हो तो ऐसे इंसान को मैं कभी क्षमा कर सकता हूँ क्या जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ जैसे कि हमारे विदेशी आक्रमण आक्रमणकारी आए हमारे पास और हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने जला दिया एक साल तक जलती रही और उस वक्त हमारी चेतना भी उच्च थी हमारे को बहुत नुकसान भी हुआ तो ऐसे इतने जो इतना बड़ा संकट था ऐसे आदमी को हम कभी अपने दिल से क्षमा कर सकते हैं नहीं करना चाहिए और प्रतिशोध ये होता कि आप पाँच और नालंदा खड़ी करते करी क्या बदला लिया कहाँ हमने जिसने मेरी एक नालंदा जलाई थी अगर मुझ में वाकई बदला लेने का जज्बा होता तो मैं पांच नालंदा खड़ी करता बदला लिया कहां हमने मैं तो कह रहा हूं बदला लो